नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज NSE के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है NSE। ओके, जैसे ही आप NSE टाइप करोगे तो आपको NSE का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड लिखा है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो NSE का पूरा वेबसाइट का इंटरफेस आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसके पूरे जो भी कंटेंट है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप आओगे तो आप यहाँ पे लिखा पाओगे NSE, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका लोगो है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मार्केट वॉच निफ्टी 50। तो इसके नीचे एक प्राइस लिखा हुआ है 10,383 रुपीज। तो ये निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब मार्केट इस प्राइस पे आज क्लोज हुआ था। जो भी सेशन था उस सेशन क्लोज हुआ तब ये प्राइस था। ओके, तो नीचे देख पा रहे हो आप एडवांसेस एंड डिक्लाइंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडवांसेस एंड डिक्लाइंस का मतलब क्या बन जाता है दोस्तों, जब भी मार्केट शुरू था तो निफ्टी 50 में एक्चुअली 50 स्टॉक आते हैं, तो उसमें से 28 स्टॉक्स में बाइंग चल रही थी और 21 स्टॉक्स में सेलिंग चल रही थी और एक था जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसको अनचेंज बोला जाता है। तो जो इंट्राडे करते हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 गेनर्स एंड लूजर्स। तो इसमें आपको मार्केट के दौरान जो भी टॉप गेनर्स थे उनके नाम, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, परसेंट चेंज कितना हुआ उनमें और वॉल्यूम क्या था, ये पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सेम लूजर्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो गेनर्स में इन्फोसिस है, BPCL है, TCS, IOC, इंडसलैंड बैंक है। मेरे कर्सर को देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना था, परसेंट कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए लूजर्स के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे लूजर्स में कौन था आज, बजाज फाइनेंस, ITC, इंफ्राटेल, टाटा मोटर्स वगैरह, ये सब सारे शेयर्स लूजर्स में थे। वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा करेंसी रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये नीचे जो पॉपअप मेनू आ रहा है इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। तो एक है इक्विटी, न्यू लिस्टिंग, IPO, OPS, IPP, राइट्स एंड टेंडर ऑफर। जिस भी कंपनी को NSE में नए से लिस्ट होना है तो उनको IPO लाना पड़ता है। IPO का मतलब बन जाता है दोस्तों, उसका पूरा लॉन्ग फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो भी कंपनी अपनी कंपनी जब भी NSE में लिस्ट होती है तो वो IPO लाती है, तो उसका पूरा प्राइस बैंड क्या है, कब लिस्ट होने वाला है, कितने दिन बिडिंग चलने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिन लोगों को रिपोर्ट पढ़ने की आदत है वो यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये जो येलो कलर में बॉक्स है यहाँ पे ऑल रिपोर्ट लिखा है, इसमें आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो चलिए, मैंने बताया कि जिन लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए कि XYZ पर्सन है, उसको एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सिस बैंक। जैसे यहाँ पे एक्सिस लिखोगे तो नीचे एक्सिस के जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ सब आ जाएगी, लेकिन हमें एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम एक्सिस बैंक लिमिटेड पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड पर हमने क्लिक किया तो उसका ये पूरा इन्फॉर्मेशन का पेज खुल गया है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, उसी के साथ साथ ये कौन सा इंडेक्स के अंदर आता है, तो निफ्टी बैंक के अंदर आता है। तो ये पूरे मेनू मैं अभी आपको सिखाता हूँ क्या होता है। ये पूरे मार्केट के दौरान कितने परसेंट चेंज हुआ, तो 1.02% चेंज हुआ, मतलब लगभग 4.5 रुपये के आसपास ही इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे थी। और इसके आगे लिखा हुआ है प्रीवियस क्लोज, तो प्रीवियस क्लोज कब हुआ था, 421.70 को ये प्रीवियस क्लोज था। प्रीवियस मतलब अगर मान लीजिए आज का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसके पिछले दिन का ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ओपन प्राइस मतलब आज सुबह कितने बजे कितने रुपए पे खुला हुआ था, आज हाई कितना लगाया और लो कितना है, और ये क्लोज दिख रहे हो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रेड स्नैपशॉट के बारे में देखेंगे। तो ट्रेड स्नैपशॉट में आपको फेस वैल्यू क्या रहता है शेयर्स का वो पता चलेगा, उसी के साथ साथ कितने शेयर्स आज ट्रेड हुए उसका नंबर आपको मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है 52 वीक हाई कितना है और 52 वीक लो कितना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे 52 वीक हाई है 819.00 रुपीज और 52 वीक लो है 286.00 रुपीज। तो मतलब पूरे साल में ये कितने ऊपर नीचे होता है आपको इससे आइडिया मिल जाएगी कि नीचे स्तर है इसके 286 और उछले ऊपर के स्तर है 819.00 रुपीज। तो और कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आपको अलॉटमेंट, सिक्योरिटीज, पूरे डेट के साथ यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, क्रेडिट रेटिंग क्या है, आप यहाँ पे जाके इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ सकते हो। साथ में नीचे एक टॉगल है उसमें लिखा है बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड मीटिंग में जो भी है फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, फंड
फंड रेजिंग कब करने वाली कंपनी, ये पूरी जानकारी आपको डेट के साथ यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी देख रहे हो कॉर्पोरेट एक्शंस लिखा हुआ है, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आपको एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है ये भी डेट के साथ पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो भी इन्वेस्टर है तो उनको पता है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे तो डिविडेंड के बारे में जरूर जानते होंगे। डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए जान लेते हैं सिंपल में। मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक के 100 शेयर्स खरीद लिए है, तो हर एक कंपनी को एनएससी को हर 4 महीने के बाद एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट रिजल्ट्स जो भी है देने पड़ते हैं, मतलब साल के अंदर 4 बार वो रिपोर्ट पेश करती है। उसको बोला जाता है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, Q1, Q2, Q3 यानी Q4 रिजल्ट्स। तो बहुत सारी कंपनी होती है जो क्वार्टरली भी डिविडेंड पे आउट करती है, और बहुत सारी कंपनी होती है एनुअली डिविडेंड पे आउट करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एनुअल डिविडेंड देती है एक्सिस बैंक, एनुअल डिविडेंड एक शेयर पे 5 रुपये देती है। मान लीजिए XYZ पर्सन के पास 100 शेयर्स है तो उसको 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको बहुत ही जरूरी हो जाती है कि डिविडेंड कितना दे रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको 2 साल का डाटा मिल जाएगा, ये पिछले साल का है और ये करंट साल का है। तो पिछले साल पे आप देख रहे हो टोटल इनकम लिखा हुआ है कितना, 19,49,487, ये पूरे जो भी नंबर है ये लैक्स में है, आपका नोट करके समझ सकते हो क्या है। और इस साल का है 20,21,957, ठीक है। तो PBT, इसके नीचे लिखा PBT मतलब दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो भी टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास कितना मुनाफा रहता है या घाटा होता है इसके बारे में आपको इस कॉलम में जानकारी मिल जाएगी। तो देख पा रहे हो पिछले साल पे प्लस साइन है, मतलब प्लस है, और इस साल में माइनस है। तो इसका मतलब सीधा बन जाता है पिछले साल में कंपनी को मुनाफा हुआ था टैक्स भरने से पहले, और इस साल टैक्स भरने से पहले ही कंपनी को घाटा हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना भी बहुत जरूरी बन जाता है। तो चलिए टिक यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख पा रहे हो आप यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, इसमें भी आपको 2 साल का डेटा मिल जाता है। तो कैटेगरी में प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, मतलब कंपनी के पास कितना स्टेक है, नीचे पब्लिक के पास कितना है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पिछले साल कंपनी के पास था 16.08% और इस साल है 16.00%, मतलब कंपनी ने अपना थोड़ा सा स्टेक कम कर लिया। तो वो स्टेक कम हुआ है वो पब्लिक ने ले लिया, मतलब पब्लिक के पास पिछले साल था 83.92, अभी बन गया 84%, ठीक है। तो इसी के साथ और बहुत जरूरी जानकारी बन जाती है कि कंपनी ने कहीं अपने शेयर्स गिरवी तो नहीं रखे हैं ना दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी तो बता देता हूँ, चलिए स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा प्रमोटर इनक्यूबरेंस डिटेल्स, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद उसको क्यों एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च तक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा था। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि इस साल में उनके पास 16% होल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको 16% होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और सी कॉलम में देख पा रहे हो आप, सी कॉलम में लिखा है 0, मतलब उनके कोई भी शेयर्स गिरवे नहीं रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये जानना बहुत जरूरी कि कंपनी ने कहीं अपने शेयर्स गिरवी तो नहीं रखे हैं ना। तो कंपनी ने कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नीचे ही जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे आने के बाद एक बार क्लिक करना है। तो कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक करोगे तो आपको उसका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने आज जो 3 जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ी, वो सबसे पहले ट्रेड स्नैपशॉट में देखा 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो क्या है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमने फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जाना, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाना, और कंपनी के शेयर्स गिरवी है कि नहीं है ये जानकारी हमने यहाँ पे ले ली। तो ये 3-4 चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जानकारी मैं अपने वीडियो पे लाता रहता हूँ, तो बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके भी विजिट।